स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे, और मैं हूँ केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपके चार चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के, 12th के। आज आपका हम फिज़िकल केमिस्ट्री का, 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री लेने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन उठाइए समझने के लिए और अच्छे से नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बेटा, सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। जब कोई भी चैप्टर थ्योरेटिकल होता है तो वहाँ पर नोट्स की इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। होता क्या है कि थ्योरी में बहुत सारा कंटेंट होता है, इतना सारा कंटेंट आप याद नहीं रख सकते और चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते। तो हमें नोट्स इस मैनर में या इस वे में चाहिए होते हैं कि जो हमारा कंटेंट भी पूरा कर दें और हमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना भी ना पड़े। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको नोट्स इस फॉर्म में बनाएं कि आपका कंटेंट भी पूरा आपको मिले और आपके नोट्स भी इस तरीके से हों कि जो आपको कन्फ्यूज़ ना करें। तो बेटा जी, आप तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए और इसको समझने के लिए, और डालिएगा हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री। बेटा, सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर ली जाएं। जैसे कि आपसे बात की जाए कि मैटर क्या होता है, तो आपका आंसर तुरंत ही मिल जाएगा, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, फेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग होती है PHASE, फेज। फेज क्या होता है समझिएगा। सपोज दैट हमने एक कंटेनर में ये कोई लिक्विड ले लिया, तो हम कह सकते हैं ये लिक्विड है बल्क में, ये मैटर है, लिक्विड है, लिक्विड इसकी फिजिकल स्टेट है, बल्क में ये एक मैटर है। यहां पर क्या होगी, यहां पर एयर होगी। तो बेटा ये वाला जो है ये लिक्विड है और ये वाला है एयर। तो जो ये लिक्विड होगा इसे हम लिक्विड का फेज कहेंगे और ये जो एयर है इसको हम एयर का फेज कहेंगे। तो फेज की डेफिनेशन होती है मैटर इन बल्क इज कॉल्ड फेज। कोई भी मैटर जब बल्क में होता है तो वो क्या करता है, होमोजीनियस होता है। एक फेज जो होता है वो टोटली कैसा होगा, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होगा। तो इस चाहे ये सॉलिड होता या फिर कोई लिक्विड होता, मान लो आपने कोई ये टुकड़ा ले लिया किसी मेटल का, तो ये मेटल का बल्क में ये मेटल है तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटल का ये एक फेज है और ऊपर की तरफ फेज किसका है, एयर का है। सपोज दैट हम ये मेटल का टुकड़ा पानी के अंदर डाल देते तो मेटल का अपना एक फेज होता और जो लिक्विड है उसका एक अपना अलग फेज होता। तो ये फेज होता है, क्या है फेज, मैटर इन बल्क इज कॉल्ड फेज। अच्छा, फिर एक जो चीज आपको आनी चाहिए यहां पर दूसरी, सरफेस क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली चीज सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फेज पता होना चाहिए, सरफेस पता होनी चाहिए। सरफेस को हम लोग इंटरफेस भी कहते हैं। देखिए, दो फेजेस को सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री होती है बीच में, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सरफेस और इंटरफेस। लाइक ये आपने लिक्विड लिया, इस लिक्विड में आपने यहां पर एक सॉलिड का पार्ट डाल दिया, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं ये लिक्विड भरा हुआ है और ये मेटल का टुकड़ा है या कोई सॉलिड है, तो ये सॉलिड की एक सरफेस है। मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, बेटा जी दो बाउंड्रीज हैं यहां पर। दो बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो ये सरफेस ऑफ सॉलिड है और एक सरफेस ऑफ लिक्विड है। यहां दो बाउंड्रीज हैं। जैसे कि आप यहां बात करोगे, ये आपने लिक्विड लिया, ये लिक्विड लिया और यहां पर क्या है, एयर है। तो एयर, एयर का अपना एक फेज है और लिक्विड का अपना एक फेज है। तो लिक्विड और एयर के बीच में केवल एक ही सरफेस है और वो सरफेस किसकी है, लिक्विड की, क्योंकि गैसेस की सरफेस नहीं मानी जाती है। गैसेस में सरफेस नहीं होती है, जो सरफेस होती है वो केवल सॉलिड्स की होती है और सरफेस लिक्विड्स की होती है। तो दोनों चीजें होपफुली क्लियर हो गई होगी। फेज क्या है, मैटर इन बल्क इज फेज। सरफेस क्या है, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस इज कॉल्ड सरफेस और इंटरफेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस या इंटरफेस कहते हैं। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है।
बेटा जी, तो सरफेस किसकी होती है ये बात हम जान चुके हैं। सरफेस होती है लिक्विड्स की और सरफेस होती है सॉलिड्स की। गैसेस की सरफेस नहीं होती है ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी। गैसेस 3, 4, 5, 8, 10 जो भी गैसेस आपने ली, एक कंटेनर में आपने दो लिक्विड ले लिया, मान लो एक आपने ऑयल लिया और एक वाटर लिया, तो वाटर और ऑयल मिसिबल तो होते नहीं हैं, तो दोनों के बीच में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगी। ऑयल की सरफेस अलग होगी और जो वाटर है वाटर की सरफेस अलग होगी, तो दो बाउंड्रीज होंगी वहां पे। लेकिन एक कंटेनर में आप कई गैसेस ले लो, गैसेस आर ऑलवेज कंप्लीटली मिसिबल, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू गैसेस। तो दो गैसेस के बीच में कभी भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती ही नहीं है, मतलब वो एक ही फेज होता है, और जब एक फेज होता है तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। ऐसा मैंने आपको सोल्यूशन नाम के चैप्टर में पढ़ाया भी था। हाँ, तो बात हो रही थी, पहले आप इतना लिख लें जो दो टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए। एक आपको पढ़ाया फेज क्या होता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, समझा तो हमने आपको दिया ही है, समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप जो आपको हमने दो लाइनें जो हम आपको लिखाएंगे वो पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी और आप इनको आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, मैटर नहीं लिखना है, मैटर तो आपको पता है। सबसे पहले आप लिखिएगा फेज, लिखें द मैटर इन बल्क इज कॉल्ड फेज, ये फेज हो गया। फिर आप लिखेंगे सरफेस या इंटरफेस, सरफेस या इंटरफेस लिखिएगा। द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस, द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस इज कॉल्ड सरफेस और इंटरफेस। सरफेस या इंटरफेस को ऐसे या स्लैश के थ्रू हम अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, अगर हमने एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड के बीच में सरफेस दिखानी है, मान लिया इस लिक्विड का अलग फेज है, इस लिक्विड का अलग फेज है, अगर ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं है तो इनके बीच में अगर हम स्लैश दिखा देंगे, तो स्लैश दिखाने का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। और वो कॉमन सी बात है कि एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है तो दो बाउंड्रीज होंगी, उनको अलग अलग सरफेसेस होंगी दोनों लिक्विड्स की। ठीक है बेटा, तो ये सरफेस या इंटरफेस होती है। तब एक नोट लिखिएगा, गैसेस आर कंप्लीटली मिसिबल, हेंस देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू गैसेस, हेंस देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू गैसेस। एक नोट और लिखिएगा, ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव सरफेस, गैसेस हैव नो सरफेस, ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव सरफेस, गैसेस हैव नो सरफेस। ये हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री में कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे होती हैं। जैसे हम मान लें कैटालिसिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। कैटालिसिस में आपने ये भी सुना होगा कि अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो कैटलिस्ट की सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, वहाँ पर रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई जिसका हमने नाम क्या दिया, कैटालिसिस, कैटालिसिस कहाँ हुआ, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे हुआ, तो ये एक सरफेस फिनोमिना हो गई। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन की प्रोसेस कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। या इसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस हैं जैसे कि एडजॉर्प्शन, या एक और है, एक्चुअली हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी सरफेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे टर्म्स या बहुत सारी प्रोसेसेस जो कि सरफेस से जुड़ी हुई होती हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो अब आप डालिएगा हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री और उसमें बस दो लाइनें लिखिएगा सरफेस केमिस्ट्री में, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनाज टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड।
इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। अब कौन कौन सी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है इसके बारे में हैं, जो प्रोसेसेस हम एग्जांपल कुछ आपको लिखा रहे हैं, जैसे कि एक तो होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पढ़ना है हमें। नंबर टू कोलॉइड्स भी हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कोलॉइड्स में जो सरफेस से रिलेटेड होती हैं। वैसे तो जो कोलॉइड है वो एक स्टेट का नाम मान सकते हो आप, या चलो जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए कोलॉइड्स को भी हम यहां पर ही पढ़ेंगे। नंबर तीन अभी अभी हमने नाम लिया था कैटालिसिस, कैटालिसिस की मैकेनिज्म को भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। और चार जिसको आप पहले ही खत्म कर चुके हो, इसका नाम है कोरोजन। कोरोजन में एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने फुल फ्लैश डिस्कस किया था वो था कैटालिसिस, सॉरी रस्टिंग, रस्टिंग को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये हैं, हालांकि कोरोजन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो कोरोजन के बारे में बात नहीं करेंगे, इन तीन के बारे में हम बात करेंगे। कोलॉइड्स बड़ा टॉपिक है, ये एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस दोनों थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं। जो हमारी स्टार्टिंग होगी आज की वो होगी एडजॉर्प्शन से। देखिए एडजॉर्प्शन है क्या, कोई भी सॉलिड है रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेयर में है, या कोई भी लिक्विड है ये रखा हुआ है इस तरीके से, और इसकी सरफेस जो है वो फ्री है, उसके कांटेक्ट में कोई भी आ सकता है। ये सॉलिड हमने लिया और यहां पर हमने लिया लिक्विड को। तो बेटा जी होता क्या है, किसी की भी सरफेस हो, चाहे सॉलिड की चाहे लिक्विड की, इन पे फ्री रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। फ्री रेजिडुअल फोर्सेस होने का मतलब सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे इसमें लिक्विड में या सॉलिड में, उनकी बैलेंसीज फ्री होती हैं। बैलेंसीज के फ्री होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इनके कॉन्टेक्ट में जो भी सब्सटेंस आता है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, गैस के अलावा डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो सरफेस होती है सॉलिड की या लिक्विड की, ये उन मॉलिकुलर स्पीसीज को या सब्सटेंसेस को जो इनके कांटेक्ट में आते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, और फिर वो अपनी सरफेस पर क्या करते हैं, उनको एक्यूमुलेट भी कर लेते हैं, और एक्यूमुलेट कर लेना ही क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन कहा जाता है। तो एडजॉर्प्शन है क्या, सॉलिड्स और लिक्विड्स की सरफेसेस पर उनके कांटेक्ट में आने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनके पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में लिखिएगा द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स टू विच दे आर इन कॉन्टेक्ट, टू विच दे आर इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, ए डी होगा, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा बेटा जी, जो चीज, जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उसको नाम दिया जाता है एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पर यह प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं एडजॉर्बेंट। तो लिखिएगा the substance accumulation of which take place, the substance accumulation of which takes place is called accumulation of which takes place is called तो adsorbate और adsorbent क्या है देखिएगा,
लिखिएगा, एडसॉर्बेट के लिए आप लोग लिख रहे हैं, द सब्सटेंस एक्यूमुलेशन ऑफ विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट एंड द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एंड द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस और एक्यूमुलेशन ऑफ एड्सॉर्बेट टेक प्लेस एंड द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस और एक्यूमुलेशन ऑफ एड्सॉर्बेट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। तो आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आपको यहां पर हमने दो टर्म्स पढ़ाए, एक टर्म पढ़ाया एड्सॉर्बेट और दूसरा टर्म पढ़ाया एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट वो होता है जो एक्यूमुलेट होता है और एड्सॉर्बेंट वो होता है जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है, राइट। अच्छा, एक टर्म हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है ऑक्लूजन। जो ऑक्लूजन टर्म है, डबल सी या सिंगल सी कुछ होता होगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ऑक्लूजन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। जब किसी मेटल की सरफेस पर गैस एड्सॉर्ब होती है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो लिखिएगा एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो ये बेटा ऑक्लूजन हो गया, एड्सॉर्प्शन का ही एक एग्जाम्पल है। जब मेटल की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा तो इसको हम ऑक्लूजन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, एक टर्म एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन पढ़ना तो नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें। एड्सॉर्प्शन कब माना जाता है? एड्सॉर्प्शन तब माना जाता है जब एक्यूमुलेशन सरफेस पे हो, और एब्जॉर्प्शन तब कहते हैं जब कोई सब्सटेंस इनसाइड द सब्सटेंस जाता है। मतलब सब्सटेंस जो जिसको हमने एड्सॉर्बेंट लिया था, आप उसी को फील करिए। जैसे कि मान लो कोई एड्सॉर्बेंट है, हालांकि एब्जॉर्प्शन में उसको नाम एड्सॉर्बेंट नहीं देंगे, मान लेते कि एब्सॉर्बेंट हमने नाम दिया। एब्सॉर्बेंट जो भी होगा, जब उसके इनसाइड द बल्क होता है किसी भी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन तब कहते हैं जब सरफेस नहीं, कहां होता है, इनसाइड द बल्क होता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो इसमें कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में अंतर क्या है। तो आप क्या करें, दो तीन डिफरेंसेस लिख लें, एक लिखें, दो तीन डिफरेंसेस ही लिखेंगे। एक तरफ आप डालिएगा एड्सॉर्प्शन और एक तरफ आप डालिएगा हेडिंग एब्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज अ सरफेस फिनोमिना दैट इज accumulation of substance takes place at the surface. इधर की साइड में लिखिएगा it is a bulk phenomena, that is it takes place inside the absorbent, AB, absorbent. Second लिखिएगा हाँ, तो बेटा फर्स्ट आपने लिखा होगा ये क्या है, सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना। यहां पे आप लिखिएगा कंसंट्रेशन इज हाई एट द सरफेस, इसमें लिखिएगा कंसंट्रेशन इज हाई इन द बल्क। और कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द सब्सटेंस। वैसे इनसाइड द सब्सटेंस ज्यादा होती है, सरफेस पे कम होती है। तो एब्जॉर्प्शन में आप ये लिख सकते हो कंसंट्रेशन इज हाई इन साइड द सब्सटेंस और सेम
थ्रू आउट द सब्सटेंस, दोनों ही बातें लिखिएगा। इधर आप लिखेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई इन द स्टार्टिंग एंड देन डिक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम, और इधर की तरफ आप लिखेंगे रेट इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। बेटा जी एक प्रोसेस होती है SORPTION, सॉर्प्शन। एग्जाम्पल्स हम सबके अभी पढ़ने वाले हैं, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन तब माना जाता है जब सरफेस पे हो, एब्जॉर्प्शन तब माना जाता है जब बल्क में हो। जब दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो रहा है सरफेस पर भी इकट्ठा हो रहा है और इनसाइड द मैटर भी हो रहा है, मतलब ये हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन, राइट। तो सॉर्प्शन भी एक टर्म है, इसमें आप लिख लीजिएगा व्हेन इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, व्हेन इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड दैट एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस और एब्जॉर्प्शन, दैट इज व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन कहते हैं। और एक और प्रोसेस बना दी गई जिसका नाम होता है डीजॉर्प्शन या डी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का उल्टा होगा, जो एडजॉर्प्शन में आपने पढ़ा था इसको भी लिख ही लो, किताबों में दिया हुआ है तो लिख लो। डी एडजॉर्प्शन में लिखो रिमूवल ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड इज कॉल्ड डी एडजॉर्प्शन या डीजॉर्प्शन भी बोलते हैं। बेटा जी ये प्रोसेस तब देखने को मिलती है जब कोई भी सब्सटेंस हीट किया जाता है। जैसे अगर कोई मेटल है, मेटल की सरफेस पर क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे और जब आप उस मेटल को हीट करना शुरू कर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में वो कमजोर पड़ता जाता है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। तो कुल मिला के हम लोगों ने स्टार्ट किया है एडजॉर्प्शन। क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमने एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पढ़े, हमने एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ा, हमने सॉर्प्शन पढ़ा, हमने डी एडजॉर्प्शन पढ़ा और वहीं पे हमने एक और टर्म भी पढ़ लिया था जिसका नाम था ऑक्लूजन। बेटा अब बारी है कि हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ें। तो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो एडजॉर्प्शन के पढ़ेंगे। तो आप डालेंगे हेडिंग एग्जाम्पल्स या प्रोसेसेस सपोर्टिंग एडजॉर्प्शन, मतलब ऐसी प्रोसेसेस जिनसे ये पता लगता है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो एग्जाम्पल्स और प्रोसेसेस सपोर्टिंग एडजॉर्प्शन, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। एक कंटेनर आप लीजिए, कंटेनर में कुछ गैसेस ले लीजिए, चलिए वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, या एक सिंगल गैस भी आप ले सकते हो, बहुत सारी गैसेस ले लो, H2, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ले लो, चाहो तो कोई एक गैस ले लो, कोई भी गैस आप ले लो। जैसे मान लो आपने H2 गैस ली, अब आपने क्या किया, इसका प्रेशर मेजर कर लिया मैनोमीटर से। मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर मेजर कर लिया, आपको प्रेशर पता लग जाएगा, मैनोमीटर लगा रहने दो। आप इसमें क्या करो, किसी भी तरीके से चारकोल ऐड कर दो। चारकोल कार्बन की ही एक फॉर्म होती है, एलोट्रॉप होता है कार्बन का ही एक, जिसके जो
जिसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है वो, और उसकी टेंडेंसी होती है वो बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट होता है, मतलब अपनी सरफेस पर गैसेस को एक्युमुलेट कर लेता है। तो जब हम इसमें चारकोल ऐड कर देंगे तो आप होगा क्या, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस या जो भी गैस आपने ले रखी है वो चारकोल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होने लगेगी, और जब वो एड्जॉर्ब हो जाएगी तो गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो उससे गैस ही जब नहीं बचेगी तो प्रेशर कौन लगाएगा? तो यहाँ मैनोमीटर में आप ऑब्जर्व करोगे कि प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट है जो सपोर्ट करता है एड्जॉर्प्शन को। तो ये एग्जाम्पल में लिखिएगा एड्जॉर्प्शन के, पहले एग्जाम्पल में व्हेन इन द गैसेस लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉमा लगा के चारकोल इज एडेड, चारकोल को आप चाहें तो लिख लें ब्रैकेट में, वेरी गुड एड्सॉर्बेंट ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, पाउडर होता है और रेजिडुअल बैलेंसीज भी होती हैं। तो व्हेन चारकोल इज एडेड, डिक्रीमेंट इन प्रेशर टेक्स प्लेस, डिक्रीमेंट इन प्रेशर टेक्स प्लेस फुल स्टॉप के बाद, इट इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। तो ये एग्जाम्पल मिल गया आपको। इसके बाद नंबर दो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होगा, अगर आप एक कटोरी में सिलिका जेल लाके रख दें और कमरे में रख दें तो उस कमरे में जो आपको पता है ह्यूमिडिटी होती है, मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होती हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर वेपर्स को सिलिका जेल अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है। तो लिखिएगा सेकंड एग्जांपल, सिलिका जेल एड्सॉर्ब वाटर वेपर्स एंड डिक्रीजेस द ह्यूमिडिटी। बेटा सुनना, आपको मैं इसका रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ बॉटल्स वगैरह आप खरीदते हो मार्केट से, जैसे मान लो आपने ये बॉटल खरीदी, पानी की बॉटल है, जस्ट लाइक दिस वन, ये ढक्कन यहाँ पे। तो जब आप ये बॉटल खरीदोगे तो इसके अंदर एक वो पैकेट पड़ा हुआ होता है, सैशे पड़ा हुआ होता है, वो जो सैशे होता है एक्चुअली उसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो सिलिका जेल होता है। वो क्यों भर देते हैं, ये सिलिका जेल की पुड़िया यहाँ पर क्यों डालते हैं, वजह ये होती है जब ये बॉटल बंद की गई होगी तो इसके अंदर एयर तो चली ही गई होगी और उस एयर में वाटर वेपर्स भी होंगे। वाटर वेपर्स की वजह से क्या होगा, बैक्टीरियाज ग्रोथ करेंगे और जब आप इसको ओपन करोगे तो उन बैक्टीरियाज की वजह से यहाँ पर बैड स्मेल आएगी। तो होता क्या है, ये जो सिलिका जेल होता है, ये सिलिका जेल क्या करता है, इस मॉइस्चर को, मतलब एयर में जो भी चीज़ें, जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स को ये एड्जॉर्ब कर लेगा और जो नुकसान हो रहा था, बैड स्मेल वगैरह की प्रोसेस हो रही थी, उसको ये क्या करेगा, रोक देगा। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, पैकिंग जहाँ होती है, पैकिंग कर देते हैं, मतलब बाहर से मॉइस्चर नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सिलिका जेल रखते हैं, ये सेसेस के रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर वहां पर पहुंच चुकी है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं उनको एड्सॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, सिलिका जेल का यूज किया जाता है। तो ये एग्जांपल है, सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स वाटर वेपर्स एंड डिक्रीजेस ह्यूमिडिटी, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक डाई है, आपने एक सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट में आपने ऑर्गेनिक डाई को डिसॉल्व कर दिया। अब वो डाई क्या करेगी, डाई जिस भी कलर की होगी वो उसी कलर का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप क्या करिए, इस कंटेनर में एनिमल चारकोल डालिए,
देखिए एनिमल चारकोल भी वैसा ही होता है, बस इसका जो सोर्स होता है वो एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है चारकोल। तो जो एनिमल चारकोल को जब आप इसमें डालेंगे और इसको शेक करेंगे तो ये एनिमल चारकोल क्या करेगा, उस डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो कलर था सोल्यूशन का, वो कलर जो कि डाई की वजह से ही था और डाई एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लिखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन अ सोल्यूशन हैविंग डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक डाई ब्रैकेट में कलर्ड लिख दो ब्रैकेट क्लोज। व्हेन आपने शुरुआत में लिखा था व्हेन इन द सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई ब्रैकेट में कलर्ड कॉमा लगा के एनिमल चारकोल इज एडेड सोल्यूशन लूजेज इट्स कलर बिकॉज डाई इज एब्जॉर्ब्ड बाई एनिमल चारकोल। डाई इज एब्जॉर्ब्ड बाई एनिमल चारकोल। एक और एग्जाम्पल है जो चीनी बनाई जाती है शुगर, तो शुगर ये जो आपको मिलती है जिस कलर में, वाइट कलर में ऑलमोस्ट, उस कलर की नहीं होती है। जो कच्ची चीनी होती है वो ब्राउन कलर की होती है, तो उसमें जो कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय एनिमल चारकोल। और यहाँ पर भी जो रिमूवल ऑफ कलरिंग सब्सटेंसेस होता है फ्रॉम द रॉ शुगर वो होता है थ्रू एडजॉर्प्शन। तो लिखिएगा द कलरिंग सब्सटेंसेस From the raw sugar, brown sugar का मतलब अलग हो जाता है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, from the raw sugar, removal of coloring substances from raw sugar is done by adsorption by adding animal charcoal। तो उसमें animal charcoal मिलाया जाता है, तभी तो कई लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, जो मतलब नॉन वेज नहीं खाते हैं, उससे परहेज करते हैं, तो वो लोग चीनी भी नहीं खाते हैं, शुगर चीनी जो होती है, क्योंकि उसमें जो animal charcoal ऐड किया जाता है वो एनिमल्स की बोन्स वगैरह से वहाँ से बनाया जाता है। तो दैट्स वाई बहुत से लोग पुराने ज़माने में, या हो सकता है अभी भी हों, पुराने ज़माने में हुआ करते थे, जो चीनी का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इसमें हड्डियों का पाउडर मिला हुआ होता है। तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल्स हमने आपको जो लिखाए वो थे एडजॉर्प्शन के। अब आप डालिएगा एग्जाम्पल्स डिफ्रेंशिएटिंग एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स डिफ्रेंशिएटिंग एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। तो पहला एग्जाम्पल लिखिएगा चारकोल एडजॉर्ब्स एडी, चारकोल एडजॉर्ब्स अमोनिया, अमोनिया को एड्जॉर्ब करता है, मतलब सरफेस पे रहती है, वेयर एज वॉटर एब्जॉर्ब्स ए बी, वेयर एज वॉटर एब्जॉर्ब्स अमोनिया। और एग्जाम्पल लिख लो सिलिका जेल एड्जॉर्ब वॉटर वेपर्स, वेयर एज कॉटन जो होता है, कॉटन एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, मतलब सॉर्प्शन हो गया, कॉटन एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब वॉटर, कॉटन एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब वॉटर। तो ये बेटा जी हमने आपको एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्लियर कराई, और एडजॉर्प्शन से कुछ और भी जुड़े हुए टर्म्स थे उनको क्लियर कराया, और विद एग्जाम्पल्स आपको बताया गया। तो बेटा बात करें अब हम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन मतलब होता क्यों है,
तो मैकेनिज्म में देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो अगर पार्टिकल अंदर का है, जैसे ये पार्टिकल सरफेस का है, इधर है, इधर है, ऐसे है, तो इसकी जो बैलेंसीज होंगी वो इस तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाइड होंगी, जो पार्टिकल बल्क का है, अंदर का है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस का है उसकी बैलेंसी चलो इधर सेटिस्फाइड है, इधर सेटिस्फाइड है, लेकिन इस साइड में ये हम कह सकते हैं कि सरफेस की तरफ इसके पास एक रेजिडुअल बैलेंसी होगी या रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये अपने कॉन्टेक्ट में आने वाली मॉलिकुलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है और उनको एक्यूमुलेट कर लेता है। तो मैकेनिज्म में आप इसको इस तरीके से बनाइएगा और लिखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस आर नॉट सराउंडेड बाई अदर पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, फुल स्टॉप के बाद, दे हैव रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, हेंस दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सब्सटेंसेस टू विच दे कम इन कॉन्टेक्ट। अच्छा जी, मैकेनिज्म में जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। जो डेल्टा एस होगा मतलब चेंज इन एंट्रोपी, ये भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नेगेटिव होता ही है। देखो डेल्टा एच को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, अब यहाँ नेगेटिव है, वैसे तो डेल्टा एच की डेफिनेशन यही होती है चेंज इन एंथैल्पी जब प्रोसेस हो जाए उसके लिए, लेकिन यहाँ हमें पक्का पता है कि एनर्जी निकलती है, तो ऐसे भी कहा जा सकता है द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज कंप्लीटली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये डेफिनेशन होगी। ऐसे ही डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कह सकते हो, ऐसे ही डेल्टा जी की डेफिनेशन आप दे सकते हो। डेल्टा एच की डेफिनेशन यहां पर हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब ये प्रोसेस कैसी होती है, जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यहां पर एनर्जी निकलती है क्योंकि बॉन्ड्स बन जाते हैं ना, कोई भी मॉलिकुलर स्पीसीज आएगी वो यहां जुड़ जाएगी, केमिकल बॉन्डिंग की फिनोमिना हो रही है, भले ही वो किसी टाइप का बॉन्ड हो, फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्स हो या केमिकल बॉन्ड हो, लेकिन जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग की जो फिनोमिना होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो बस ये आप मैकेनिज्म लिखेंगे, ये चीजें लिखेंगे और डेल्टा एच को डिफाइन जरूर करें, लिखिएगा चेंज इन एंथैल्पी और करके लिखें, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेट, व्हेन वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज कंप्लीटली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन की। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक क्लासिफिकेशन, इसका हम कोई बेसिस तो नहीं दे सकते इस तरीके से, लेकिन हाँ नाम ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। जरा इसको समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर शब्दों में जरा सा हेर फेर हुआ तो क्लियर हो नहीं पाएगा, ध्यान देना। जैसे ये एक सोल्यूशन था, ये हमने एक सोल्यूशन ले लिया और हमने इसमें, अब सोल्यूशन में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा। हमने अब इसमें मान लेते हैं कि चारकोल डाला या हमने कोई भी एड्सॉर्बेंट डाला, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एड्सॉर्बेंट सोल्यूट को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। तो जब वो सोल्यूट को एड्सॉर्ब कर लेगा
और होता क्या है कि सोल्यूट एड्सॉर्ब हो जाने की वजह से यहां पर अब सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं यूज किया गया वर्ड, यहां पर बल्क यूज किया गया। मतलब क्या हुआ, ये सोल्यूशन था जिसको हमने बल्क बोला, यहां सोल्यूट था, हमने एड्सॉर्बेंट डाला। मोस्ट ऑफ द केसेस में एड्सॉर्बेंट क्या करता है, सोल्यूट को एड्सॉर्ब करता है। आफ्टर एड्सॉर्प्शन सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट ज्यादा होगी देन इन बल्क। सोल्यूशन कोई हमने यहां पर क्या बोला है, बल्क बोला है। अब कई बार ऐसा होता है, हमने क्या किया, ये सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन या इसी को हमने क्या कहा, बल्क कहा। ध्यान से समझना, बुक्स में बहुत कंफ्यूजन है और बाकी के टीचर्स भी आपको कंफ्यूज कराएंगे, ये समझा नहीं पाएंगे आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जनरली आपने सोल्यूशन में एड्सॉर्बेंट डाला, कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि एड्सॉर्बेंट सोल्यूट को ना एड्सॉर्ब करके सॉल्वेंट को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो जब सॉल्वेंट को एड्सॉर्ब कर लेगा, यहां सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो गई, सोल्यूट उतना ही रहा, तो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सोल्यूट की, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। भाई ऐसा नहीं कि हमने एड्सॉर्बेंट डाला तो एड्सॉर्बेंट ने यहां सोल्यूट दे दिया, इसको दिया नहीं, बल्कि सॉल्वेंट यहां से निकाल लिया। जब सॉल्वेंट निकाल लेगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं, राइट। तो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पहले आप इसको लिख लीजिए, व्हेन आफ्टर एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट देन इन बल्क। बल्क का मतलब यहां सोल्यूशन से है, देन इन बल्क इट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, इट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस बिकॉज व्हेन एड्सॉर्बेंट इज एडेड इन द सॉल्यूशन इट एड्सॉर्ब्स सोल्यूट। नई लाइन से लिखें, इन फ्यू केसेस एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस आफ्टर एड्सॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस आफ्टर एड्सॉर्प्शन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। एग्जाम्पल लिखिएगा, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड इन कॉन्सेंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन है, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड इन कॉन्सेंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड इन डाइल्यूटेड या डाइल्यूट लिख लो डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन नेगेटिव एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन किसका, एड्सॉर्प्शन का, और क्लासिफिकेशन क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। बेटा जी इसके बाद हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे एड्सॉर्प्शन का, उसका बेसिस है, लिखिएगा बी है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट।
एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बेसिस पे एडजॉर्प्शन। डैश लगा के लिखें, टू टाइप्स में दोनों के नाम लिखेंगे, एक तो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसको हम कहते हैं फिजियोजॉर्प्शन, और बेटा जी दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, या इसी को हम कहते हैं केमिजॉर्प्शन। देखिए ध्यान दीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, हम इनको कंपेयर करते हुए ही पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें याद भी हो जाएगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जो दोनों में सेम होंगे, मतलब कोई भी कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा यहां पर, फिजिकल एडजॉर्प्शन में नाम से ही क्लियर हो रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज फिजिकल फोर्स और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और केमिकल में लिखिएगा इट इज केमिकल बॉन्ड। तो ये तो एक तो हो गया, जो आप चाहते तो हेडिंग भी डाल सकते थे, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर है वो क्या है, बी। दूसरा यहां पर आप लिखेंगे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि चारकोल की सरफेस पे फिजिकल एडजॉर्प्शन अमोनिया का ही हो सकता है, वाटर का नहीं हो सकता है, सॉरी किसी और गैस का नहीं हो सकता है। तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी में लिखिएगा एनी गैस कैन बी एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, एनी गैस कैन बी एडजॉर्ब्ड फिजिकली ऑन द सरफेस ऑफ एनी एडजॉर्बेंट। और यहां पर लिखेंगे बी वाले पॉइंट में इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तीसरा आप डाल दीजिए नेचर ऑफ सरफेस एरिया, या सीधे सीधे आप सरफेस एरिया डालिएगा, सरफेस एरिया, ये वैसे सेम है पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इसमें लिखोगे इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, और यहां पर भी बिल्कुल सेम आएगा इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं हुआ, डी वाला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसमें लिखिएगा इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब ये हुआ ये कोई एडजॉर्बेंट है और प्लस इसके कॉन्टेक्ट में गैस आई, और अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, गैस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये प्रोसेस फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, और फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इसमें आपने क्या लिखा, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि यहां की तरफ आप क्या लिखेंगे, इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। अगर एग्जाम में चार पांच डिफरेंसेस लिखने को आते हैं तो ये तो है ही नहीं डिफरेंस, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी एक अच्छा डिफरेंस है, लेकिन इन सब के अलावा जो इन सब पर भी आप प्रिफर करेंगे जो डिफरेंस, वो ये है एडजॉर्बेंट, सॉरी ये रिवर्सिबल और ये कैसा होगा इररिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत अच्छा है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन।
भाई यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेंडरवॉल फोर्स है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन में समझिएगा, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेंडरवॉल फोर्स है जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो जब वो फोर्स बनेगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन में लिखिएगा 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल, बड़ा अच्छा डिफरेंस है। इसको लिखेंगे आप, इन सबको प्रिफर नहीं करेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आएगा 80 से लेकर 82 to 240 किलो जूल पर मोल, ये यहां की एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के बाद डिफरेंशिएट करने वाले जो पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, बड़ा अच्छा ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है एफ फैक्टर, मतलब एफ पॉइंट है, डिफरेंस में आप लिख सकते हैं लेकिन इनको मैं आपको बिल्कुल अलग से समझाने वाला हूं, ये पॉइंट्स मैं आपको अलग से इलेबोरेटेड फॉर्म में समझाऊंगा, बट डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए यहां पर लिखेंगे हम जरूर। तो लिखिए इसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप लिखोगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, और इधर की तरफ लिखेंगे, बड़ा अच्छा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनिशियली केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज ड्यू टू द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देन इट डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन, देन इट डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। और एक और बस डिफरेंस लिखेंगे जी, वो होगा डिफरेंस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आप लिखोगे विद इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, और यहां पर आप लिखोगे केमिकल में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बेटा जी ये हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में। अब हम एडजॉर्प्शन की जो आखिरी हेडिंग होगी थोड़ी सी बड़ी है, उसके साथ एडजॉर्प्शन चैप्टर को खत्म करेंगे, और वो आखिरी हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। हालांकि हमने कुछ हद तक फैक्टर्स को पढ़ भी लिया है, टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर पढ़ लिया, लेकिन अभी हम टेम्परेचर और प्रेशर के फैक्टर को, प्रेशर के फैक्टर को खासकर एक थ्योरी के टर्म में पढ़ने वाले हैं। तो डालेंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन में पहला फैक्टर, इसमें कुछ हम लिखेंगे नहीं, ये है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। देखो बेटा ये देखा गया है कि गैस हमने सेम ले ली, मतलब एडजॉर्बेट हमने सेम कर लिया, फिर भी अलग अलग सब्सटेंसेस की सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन होता है उसका एक्सटेंट अलग अलग होता है। इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता, अगर लिखना भी होगा तो हम यही लिखेंगे जो हमने बोला है। बस सीधी सी बात है भाई, जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा होगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। हाँ इसमें एक चीज जरूर हम इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, लिखिएगा द गैसेस विच आर इजली लिक्विफिएबल, मतलब जिनका लिक्विफिकेशन आसानी से हो सकता है, द गैसेस विच आर इजली लिक्विफिएबल ब्रैकेट में हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ब्रैकेट में हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर एडजॉर्ब्ड इजली, लेकिन ये पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, आर एडजॉर्ब्ड इजली। यहीं पे एक बात हम आपको और बताएंगे,
एक टर्म लिया गया है x अपॉन m। x अपॉन m लिया क्यों गया है, पहले ही आप लिख लेना यहां पर, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, टू एक्सप्रेस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x अपॉन m इज यूज्ड। x क्या है, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड, कितना एड्सॉर्ब हो गया, और m है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जिस पर एड्सॉर्प्शन हुआ, या ऐसे करके हम कहें x अपॉन m है क्या, मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, तीसरा फैक्टर जो आएगा वो होगा सरफेस एरिया, ये भी हम आपको समझा ही चुके हैं, तो सरफेस एरिया वाले फैक्टर में भी आप लिख देना विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल हो। फोर्थ जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिखाया तो है ही मैंने आपको। अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो सॉरी फिजिकल की, ये ग्राफ हम फिजिकल के लिए बना रहे हैं, आगे लिख देते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में इस एक्सिस पर हमने x अपॉन m लिया और इस एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया, तो जो ग्राफ आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ना तो इस एक्सिस पर कहीं मिलेगा ना ही ग्राफ इस एक्सिस पर कहीं मीट करेगा इस तरीके से। कुल मिला के ये बात पता लग गई कि जो x अपॉन m है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी आप लिख सकते हैं विद फिजिकल के लिए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। अगर यही ग्राफ हम बनाएं केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, ये हमने x अपॉन m लिया, इधर की तरफ हमने टेम्परेचर को लिया, ये केमिकल के लिए है बेटा जी ग्राफ। तो अगर टेम्परेचर जीरो की तरफ है तो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एडजॉर्प्शन बढ़ता है, देन क्या होता है ये फिर फिजिकल की तरह घटना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन में आप लिख देंगे इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनिशियली देन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, और किसी भी केमिकल बॉन्ड के बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के। तो जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाएगी तब तक एडजॉर्प्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, या होगा तो बहुत स्लो होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मिल जाएगी मॉलिक्यूल्स को, तो केमिकल बॉन्ड भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है, इनिशियली इट इंक्रीजेज ड्यू टू द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देन इट डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। ये जो ग्राफ होते हैं इनमें जो प्रेशर रखा गया है, इन दोनों ग्राफ्स में प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा गया है, और इन ग्राफ्स को कहते हैं, ग्राफ्स आर कॉल्ड आइसो, प्रेशर कांस्टेंट है तो इनको आइसोबार्स कहेंगे, ठीक है। ये ग्राफ्स कैसे हैं, ये ग्राफ क्या है, ग्राफ्स को आइसोबार्स बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हमने आपको बताया था, लिखिएगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विद इंक्रीजिंग प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। ये फैक्टर जो प्रेशर वाला है जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन एक थ्योरी केमिकल के लिए भी दी गई है, वो हम आपको समझाएंगे। तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, कैसे बढ़ता है ध्यान देना, ये हमने इस एक्सिस पर प्रेशर को लिया और इस एक्सिस पर हमने लिया x अपॉन m को। आप ध्यान देना यहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा रखा गया है,
कांस्टेंट रखा गया है। तो प्रेशर बढ़ने पर लीनियरली बढ़ता है, बिल्कुल शुरुआत में जो x अपॉन m बढ़ता है वो लीनियरली बढ़ता है, देन ये धीरे धीरे स्मूथली, शार्प टर्न नहीं होगा, स्मूथली नॉन लीनियरली बढ़ता है, और एक प्रेशर ऐसा आता है जिसके बाद एडजॉर्प्शन यानी x अपॉन m कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेगमेंट तो ये है फर्स्ट, एक ये सेगमेंट है सेकेंड, और ये थर्ड है। इस प्रेशर के बाद x अपॉन m बढ़ना बंद हो गया, इस प्रेशर को हम कहते हैं PS, PS फॉर सेचुरेशन प्रेशर। तो आप इस ग्राफ को तो बनाएंगे ही, थोड़ा सा आप लिखेंगे विद इंक्रीजिंग प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, इनिशियली इट इंक्रीजेज लीनियरली, देन नॉन लीनियरली, एंड आफ्टर अ वैल्यू ऑफ प्रेशर एडजॉर्प्शन बिकम्स कॉन्स्टेंट, दिस प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेशन प्रेशर। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम कहेंगे आइसोथर्म, आइसोथर्म इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। तो लिखिएगा टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू थ्योरीज आर गिवेन। पहली थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम ही होता है फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने क्या किया, फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आप चाहें तो एक चीज लिख लीजिए, द ग्राफ बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, x अपॉन m एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने कहा, जो x कुछ समझाया नहीं, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p की पावर इन्होंने 1 अपॉन n लिया। अब देखो एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम है, तो इन्होंने क्या कहा, जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p आएगा, यानी x अपॉन m p के साथ लीनियरली बढ़ेगा। जब एट p इज इक्वल टू वेरी हाई, तो इन्होंने कहा जो n की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी लेंगे, तो ऐसे केस में x अपॉन m जब 1 अपॉन इन्फिनिटी रखोगे तो p की पावर क्या होगी, 0, और p की पावर 0 का मतलब x अपॉन m क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये तो 1 हो चुका है। और एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यहाँ पर इन्होंने कहा जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू ज़्यादा होगी 0 से लेकिन कम होगी इन्फिनिटी से, इस तरीके से। अब इनके ग्राफ का अगर वेरिफिकेशन करना हो कि इन्होंने सही कहा या नहीं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या किया गया, ध्यान देना, x अपॉन m इज इक्वल टू p की पावर, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, x अपॉन m इज इक्वल टू हमने कर लिया k p की पावर 1 अपॉन n। अब हमने क्या किया, टेकिंग लॉग, जब लॉग लिया तो आएगा निकल के लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के, इतना तो आप लोग सीख ही चुके हो मैथमेटिक्स में लॉग वगैरह का, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी हो जाएगा। इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो ग्राफ जो प्लॉट किया जाएगा, इस एक्सिस पर लॉग एक्स अपॉन एम लिया जाएगा, इस एक्सिस पर लॉग पी लिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और यहां का जो इंटरसेप्ट सी है वो लॉग के बराबर है, और जो स्लोप है वो 1 अपॉन एन के बराबर है। लेकिन ये ग्राफ लीनियर तभी मिलता है जब प्रेशर लो होता है थोड़ा, मतलब बहुत हाई पे ये ग्राफ लीनियर नहीं होता है। तो आप बस इतनी सी बात लिखिएगा, दिस थ्योरी डील्स गुड
व्हेन प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। तो ये तो हो गई कौन सी थ्योरी, फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो सेकेंड थ्योरी दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद बस एग्जाम्पल्स एडजॉर्प्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। सेकेंड थ्योरी है, इसका नाम है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, बेसिकली इनकी जो थ्योरी है इट इज फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। ये पहली बात आप यही लिख लेना, इट इज फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। इन्होंने जो पहला पॉइंट बोला वो ही प्रूव करता है कि ये केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। इन्होंने बताया, लिखिएगा, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ओनली टिल द होल ऑफ द सरफेस, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड Only till the whole of the surface is completely covered by unimolecular layer. Unimolecular layer का मतलब ही ये chemical adsorption यानी chemical bond की बात कर रहे हैं। Second point, adsorption consists two opposing processes. दो opposing processes होती हैं, मतलब एक तो adsorption होगा जिसको हम कहेंगे accumulation, जिसको कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। नंबर एक कंडेंसेशन, नंबर दो इवेपोरेशन। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेयर सरफेस एरिया। बेयर का मतलब जो खाली है। The rate of condensation is directly proportional to bare surface area and the rate of evaporation is directly proportional to covered surface area. Rate of evaporation is directly proportional to covered surface area. Next, चौथा point लिखिएगा, initially the rate of condensation is high but with time इक्विलिब्रियम अराइजेस। टाइम के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और रेंडमली इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन था वो था ए पी अपॉन वन प्लस बी पी। ये इनका एक्सप्रेशन था। यहां पर ए एंड बी आर ये हैं कॉन्स्टेंट्स। लास्ट में एक नोट लिखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। क्वेश्चन में आप लिखिएगा, प्रूव दैट लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो प्रूव करना है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, इसी को हम लेते हैं सॉल्यूशन में, x अपॉन m इज इक्वल टू ए पी अपॉन वन प्लस बी पी। तो देखिएगा, एट p इज इक्वल टू लो, अगर p लो है तो 1 प्लस बी पी में से हम इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। जब इग्नोर करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो x अपॉन m इज इक्वल टू क्या आएगा, ए पी, ए एक कॉन्स्टेंट है, दैट इज x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p। तो ये वही निकल के आ गया जो फ्रियुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में था। एट p इज इक्वल टू हाई, जब प्रेशर हाई है तो 1 प्लस बी पी में हम 1 को क्या करेंगे, 1 को जब इग्नोर करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, बी पी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, x अपॉन m
इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। जब x अपॉन m इज इक्वल टू ये करेंगे तो p और p कैंसिल होने के बाद a अपॉन b, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जा सकता है बाय टेकिंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस एडजॉर्प्शन में एक आखिरी हेडिंग हम डालेंगे और वो है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, और कुछ एप्लीकेशंस लिख लेंगे और फिर एडजॉर्प्शन नाम का टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सेकेंड टॉपिक बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कोलॉइड्स होगा। तो डालेंगे हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। लिखें पहला एप्लीकेशन इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। लिखिएगा द ट्रेसेस ऑफ, जैसे वैक्यूम आपको बनाना है तो वैक्यूम बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप के थ्रू, जहां भी वैक्यूम बनाना है वैक्यूम पंप एयर टाइट करते हैं और वैक्यूम पंप के थ्रू वहां से एयर को खींचते हैं। लेकिन वैक्यूम पंप की भी लिमिट होती है, कितना भी आप वैक्यूम पंप से एयर को वहां से खींच लें लेकिन सारी एयर वहां से नहीं खींची जाती है। तो जो फाइनल ट्रेसेस ऑफ एयर होते हैं इनको हम रिमूव कराते हैं, कोई एड्जॉर्बेंट डालेंगे और वो एयर को एड्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि यहां से भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं बन पाएगा, परफेक्ट वैक्यूम तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब वहां पर एयर कम हो जाएगी तो प्रेशर कम हो चुका होगा, प्रेशर कम होगा तो एडजॉर्प्शन का रेट भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन फिर भी हाई लेवल का वैक्यूम हम बना सकते हैं बाय एडजॉर्प्शन। तो पहला है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, उसमें लिखिएगा द ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से पहले हम कर ही चुके हैं, बाई चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाई अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम, टू गिव अ वेरी हाई लेवल वैक्यूम। दूसरा है, दूसरा एप्लीकेशन इन गैस मास्क। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जहां मास्क में इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि कुछ पॉइजनस गैसेस हैं, तो उन पॉइजनस गैसेस को मास्क क्या करेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। तो लिखिएगा यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस, यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एड्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। थर्ड लिखिएगा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आपको पढ़ाया ही है पूरे चैप्टर में हमने, यहां पर किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर यानी वाटर वेपर्स को एड्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ये भी पढ़ाया है, और शुगर। नेक्स्ट इन हेटरोजीनियस कैटालिसिस, बेटा ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इन हेटरोजीनियस, हालांकि थोड़ा आइडिया दिया था मैंने आपको, इन हेटरोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, एक क्रोमेटोग्राफी होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, 11th का टॉपिक है वैसे तो, वहां इसका यूज होता है, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। और नेक्स्ट लिखिएगा इन सेपरेटिंग इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को अगर अलग करना होता है, जो गैस ज्यादा एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो जाती है उसे एड्जॉर्ब करके अलग कर लेते हैं और दूसरी वहीं पर बनी रहती है। मतलब एक प्रेशर होता है पर्टिकुलर, इस प्रेशर पर ये वाली एड्जॉर्ब होगी, और ज्यादा प्रेशर होगा तो जो हल्की गैस है वो भी एड्जॉर्ब हो जाएगी, इस तरीके से हम इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो बेटा जी ये एड्जॉर्प्शन खत्म हो गया,
थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो नोट्स आपके बहुत अच्छे लेवल के होने चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से नोट्स बनवाए जाएं। आप समझिए, इसको याद कीजिए, कुछ टर्म्स याद करने वाले हैं, डेफिनेशंस याद करने वाली हैं, तो उनको तैयार कीजिए। और मेरे लिए थोड़ा सा फेवर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।